अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए ऑल इन वन सोल्यूशन। चाहे कंस्ट्रक्शन हो या हो नक्शा, हम आपके घर को आपके सपनों का घर बना के देंगे, वो भी वाजिब दामों पर। तो आज ही विजिट करें। मध्य प्रदेश के सागर में कुछ ऐसे सिद्ध क्षेत्र हैं जिनके दर्शन करने लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। माँ शारदा का मंदिर मैहर में है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में भी एक ऐसा स्थान है जो मिनी मैहर के नाम से जाना जाता है, जहाँ माँ सिंहभायनी पहाड़ी पर विराजी हैं। यह सिद्ध क्षेत्र सागर के रहली जबलपुर मार्ग पर है, जो चिकी टोरिया के नाम से जाना जाता है। इसे मिनी मैहर भी कहा जाता है। माँ सिंहभायनी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है, जहाँ आप माँ मैहर की भांति प्रदेश में टिकी टोरिया में दूसरा रोप वे बनने जा रहा है। खुद मंत्री गोपाल भार्गव ने टिकी टोरिया पहुंचकर यह जानकारी दी है। आज दिल्ली से रोप वे का निरीक्षण करने एक टीम दिल्ली से टिकी टोरिया पहुंची थी, जो माता सिंहभायनी टिकी टोरिया मैया के रोप वे का निरीक्षण कर रिपोर्ट NHAI को सौंपेगी और जल्द ही NHAI यहाँ रोप वे बनाने का काम शुरू कर देगी। जी ना देवी जी ना दी टिकी टोरी वाली भाई ना दी, मैं तो एक उनका छोटा सा अंश हूँ, उनका सेवक हूँ। विषय यह है कि उस समय पहले विचार आया था, मन में था, लेकिन बहुत बड़ा खर्च था, क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं, बहुत ही कल्पनाशील व्यक्तित्व के, बहुत ही इनोवेशन और नए आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं, और उन्होंने फ्लाईओवर सड़कें इनके बारे में तो काफ़ी काम किया, लेकिन नहीं उनका विवेक में उनके ज्ञान में ये बात आई कि हमें ऐसे स्थान जो पहाड़ियों पर हैं, लोग जाना चाहते हैं लेकिन वृद्ध हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं, नहीं चढ़ सकते सीढ़ियाँ, कहीं 200 सीढ़ियाँ, कहीं 400, कहीं 500 सीढ़ियाँ, ऐसे स्थानों के लिए हमें रूप भी बनाना चाहिए। उसी की परिणति है कि हमारे रहली में भी बुंदेलखंड का पहला रूप है जो टिकी टोरिया देवी जी का हमारा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है बुंदेलखंड का, हमारे मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में रूप की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की, और रोप वे का पहले तो उसका सर्वे हो ही चुका था, लेकिन आज हमारे NHAI के वरिष्ठ अधिकारी गौर जी हमारे बीच में हैं, और भी हमारे अधिकारी आए हैं वहाँ से दिल्ली से, और दिल्ली से आके उन्होंने आज स्थान देखा है, और उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखने का काम भी आप सब कर लेना, और इसको हम जल्दी से जल्दी इसको निर्माण करवा देंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी सौगात होगी, जहां इससे रहली के विकास में 4 चांद लगेंगे। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र माँ रानगिर मैया के यहाँ जो बूढ़ी रानगिर मैया है, वहाँ भी एक झूला पुल प्रस्तावित है जो जल्द बनेगा। यह बड़ी सौगात है चैत्र माह की नवरात्रि से पहले मंत्री गोपाल भार्गव ने रहली वासी और माँ सिंहभायनी के भक्तों को दी है। माता टिकी टोरिया में चढ़ाई के लिए लगभग 800 सीढ़ियां हैं, जिनसे भक्तों को थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब रोप वे बनने से भक्त और मैया के बीच का फासला बेहद आसान होने जा रहा है। एक खुशखबरी भक्तों के लिए सरकार की तरफ से, जहां अब टिकी टोरिया में जल्द ही एक आलीशान रोप वे तैयार होगा। आज सुबह सागर एक्सप्रेस न्यूज रहली।